आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, मेरा नाम सागर है जी। हेलो जी, सवाल करिए सागर जी। हेलो, सवाल कीजिए अपना, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हाँ मैडम, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, समय यहाँ पे बहुत कम हो रहा है जी। हाँ जी, सागर से बात कर रहा हूँ दिल्ली से। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए सागर जी, आप सिर्फ सवाल बताइए सीधे, हकीम साहब आपको सुन रहे हैं। जी जी मैडम, खांसी है जी मुझे। क्या दिक्कत है जी? खांसी, खांसी की दिक्कत है जी। जी हकीम साहब, अच्छा देखिए, जो लोग पहली बार बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि किस टोन में और कितनी आवाज़ में बात करनी है। टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ा कर रखते हैं, लेकिन फिर जो करते रहते हैं उनको आसानी हो जाती है, इसलिए हम आपसे नाराज़ भी नहीं हैं। आप देखिए, खांसी वाले इस वक्त बहुत ख़तरे में हैं, और बहुत ख़तरा मतलब ये कि अगर डॉक्टर से भी डर रहे हैं। और अपना ख्याल बहुत रखिए, हर आदमी पर 5 बार गर्म पानी पीना लाजिम है, इससे भी खांसी ठीक हो जाती है, इससे पेट भी ठीक हो जाता है। और उसके अलावा ज़्यादा मर्ज है तो फिर आप बाकायदा दवा भी ले सकते हैं इसकी। और बिल्कुल खांसी, बलगम, छींकें जिन लोगों को आती हैं वो अपना सबसे पहले अपना इलाज कराएं और सैनिटाइज़र करें अंदर से और बाहर से अपने आप को। और खांसी के लिए जो मुनासिब आप इलाज लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं आपकी बात को बहुत गैर संजीदगी से नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत खांसी नहीं है। अगर बहुत खांसी है तो फिर आपको चाहिए कि लिसोड़ा, उन्नाप, अलसी 100-100 ग्राम लें, और इसमें 20 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, गर्म पानी के साथ खाएँ तो खांसी का ठीक होना मुमकिन है।